नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। मैं हूं आपके साथ उमादित्य द्विवेदी और आज हम बात करेंगे सर्वों के सच की। लोकसभा चुनाव 2019 का रण अब खत्म हो चुका है। चुनाव खत्म होते ही पूरे देश भर में लोगों को 23 मई को आने वाले नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। आखिरी चरण की 59 सीटों पर मतदान के साथ ही 542 सीटों की तकदीर भी अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। बता दें कि बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। हालांकि नतीजे भी 23 मई को सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज चैनल्स और मीडिया एग्जिट पोल के जरिए चुनाव परिणाम का अनुमान लगा। लेकिन ये सर्वे कैसे किए जाते हैं, क्या सीधे तौर पर जनता संपर्क में रहती है, इन सारे सवालों के माध्यम से के न्यूज जनता को खुलकर अपनी राय रखने के लिए आमंत्रित करता है ताकि सर्वों का सच जनता हमसे साझा कर सके। आगे करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण के साथ 19 मई को खत्म हो गया और वोटिंग के बाद ही एग्जिट पोल आने भी शुरू हो गए। नतीजों से पहले हार जीत का अनुमान बताने वाले इन पोल्स पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। अलग अलग चैनल, एजेंसियों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सर्वे तो कई किए गए, लेकिन ये सर्वे कैसे किए गए इस बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम जनता की राय के बारे में बात करें तो सर्वे के नतीजे हमेशा जनता पर ही निर्भर होने चाहिए। वो किसे अपनी सरकार के तौर पर चुनना चाहती है, इसका फैसला भी जनता के हाथ में होना चाहिए। इसलिए के न्यूज इंडिया मौका दे रहा है जनता को खुलकर अपनी राय रखने का। बात ओपिनियन पोल की करें तो ये सीधे वोटर से जुड़ा होता है। इसमें जनता की राय को समझने के लिए अलग अलग तरीके से आंकड़े जमा किए जाते हैं, यानी लोगों से बात करने, उनकी राय जानने के तरीके अलग अलग अपनाए जाते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि सर्वे के दौरान जनता से उनकी कितनी राय ली जाती है, इसका जवाब भी जनता ही देगी। गौरतलब है कि चुनाव खत्म होते ही पूरे देश भर में लोगों को 23 मई को आने वाले नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। आखिरी चरण की 59 सीटों पर मतदान के साथ ही 542 सीटों की तकदीर भी अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। बता दें कि बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। हालांकि नतीजे भी 23 मई को सामने आ जाएंगे। चुनावी माहौल में पार्टियों और नेताओं के दावे तो बहुत हैं, लेकिन सरकार किसकी बनती है इसका फैसला जनता के हाथों ही है और अब जनता खुद ही बताएगी क्या है सर्वों का सच। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो एग्जिट पोल्स आए, उन्होंने साफ तौर पर दिखाया कि एनडीए की सरकार बन रही है। आप भी हमें कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं और बता सकते हैं कि आखिरकार एग्जिट पोल से आप कितना सहमत हैं और कितना नहीं, क्योंकि आपकी ही राय होती है जिसके इसका अनुमान लगाया जाता है और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और बता दिया जाता है कि आखिरकार एग्जिट पोल्स किसकी तरफ रुख कर रहे हैं सरकार बनाने को लेकर के। हम इस पर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दो दर्शक जुड़ गए हैं। लखविंदर है पंजाब से। लखविंदर, अपनी राय रखिए आप। हाँ देखिए सर, लखविंदर सिंह समय वाली पंजाब से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर, 80% ये झूठ है जी। ये बिल्कुल अनुमान लगा लेते हैं भाई किसकी सरकार बनने वाली है। कोई एक एक आदमी जाकर के पास पड़ताल नहीं करते, आप देख लेना, ये 80% से झूठ गलत बात साबित होगी। चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ रतन लाल है गुरुग्राम से। रतन लाल जी, अपनी राय रखिए आप। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए सबसे पहले तो के न्यूज बधाई का पात्र है कि जनमानस से जरूर इन मुद्दों की आम जनता राय ले रहा है। और जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है, जहाँ करोड़ों करोड़ों लोग वोट डालते हैं और चैनल कुछ एक आदमियों से पूछ कर कितनी भाषा विवाद है, कितना क्षेत्रीय विवाद है, कितना एक दूसरे से दुश्मनी है, उसके रिजल्ट में ये नहीं पता कितनी वोटरों के ऊपर वो अपना रिजल्ट निकाल रहे हैं, अपना रिजल्ट वो निकाल देते हैं।
हाँ एक बात सही है कि जितना वोट आज हिंदुस्तान में किसी एक आदमी का फॉलोअर है वो नरेंद्र भाई मोदी है। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं, इसमें बीजेपी की बात भी नहीं मैं कर रहा। अगर किसी एक नेता से आज हिंदुस्तान का वोट रिफर। चलिए आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए रतनलाल जी। इसी पर हम लगातार दर्शक जो हैं वो हमें कॉल भी कर रहे हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। जो सर्वे आए हैं उसके जो नतीजे हैं, उसके जो अनुमान है, जो आंकड़े हैं, उस पर आप अपनी राय दीजिए, हमें कॉल कीजिए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान है, हमारे साथ रणविजय सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका स्वागत है। विवेक तिवारी है, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी स्वागत है। सीधा रुख करते हैं रणविजय सिंह का, वरिष्ठ पत्रकार है। रणविजय सिंह जी, क्या लग रहा है आपको एग्जिट पोल्स के जिस तरीके से सैंपलिंग के बाद अनुमान निकल करके सामने आ रहे हैं, नतीजे निकल करके सामने आ रहे हैं, 23 मई को वैसे ही नतीजे रहने वाले हैं जब रिजल्ट आएगा? अब भाई जो नतीजे एग्जिट पोल के आ रहे हैं वो सब सबके सामने हैं, लेकिन इसके यदि ये सच है, अगर इसमें कोई दम है, हाँ, तो पूरी जो राजनीतिक प्रक्रिया है जिस तरह के रणवीर जी, आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपकी तरफ रुक करूंगा। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ रमेश है झांसी से। रमेश, अपनी राय रखिए आप। हेलो, अपनी राय रखिए। हाँ, जितने विपक्षी पार्टियां हैं वो ना तो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना चुनाव को मानते हैं, ना इसको एग्जिट पोल को मानते हैं। चलिए आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। आलम है आजमगढ़ से, आलम अपनी राय रखिए। नमस्कार। नमस्कार। मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ जी, ये सर्वे जो लोग करते हैं ये एक तरह की आजकल जो है कि सारी एजेंसियां जो है, इसमें बहुत सारी एजेंसियां ऐसी हैं कि इसके बारे में आप जो है कि ये टुक्का से कर देती हैं। एक ही दो ही तीन एजेंसियां अच्छी हैं। पहले जमाने में वे परो राय और दीपेंद्र यादव जैसे लोग सर्वे जो करते थे वो अच्छा सर्वे करते थे। चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ रणविजय सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार, उनका रुख करते हैं। जी रणविजय जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि भाई अब ये तो एक एग्जिट पोल के नतीजे हैं, इस पर आप समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन इस पर तीन बातों पर बहुत खास ध्यान देना है। अगर ये नतीजे सच हैं तो चाहे उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में जो विपक्ष के गठबंधन बने हैं वो कारगर नहीं हुए, जनता ने यकीन नहीं किया उनके ऊपर। दूसरा ये कि जो ये अब एग्जिट पोल आए हैं है, इसकी सत्यता को जानने के लिए मैं जरूर ये बात कहूंगा कि कितने साइज का सैंपल पर ये किया गया है, क्योंकि जब भी आप एग्जिट पोल करते हैं चुनाव के बाद लोगों से पूछते हैं, उसको सैंपलिंग करके करते हैं, तो उससे होता क्या है कि एक खास लोग जो मतदान केंद्रों पर मडराते रहते हैं उन्हीं की राय उसमें अधिकता होती है। अच्छा, सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होती है राय। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है, बिल्कुल। रणविजय आपका आपके पास आऊंगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, वीरेंद्र, अपनी राय रखिए। इसमें ये देखना है, ठीक वीरेंद्र, अपनी राय रखिए। मैं न्यूज़ लाइव देख रहा था। हाँ जी, न्यूज़ लाइव देख रहा था मैं। जी बोलिए, अपनी राय दीजिए। चलिए, इनकी आवाज साफ नहीं आ रही, हम तक पहुंच नहीं रही इनकी आवाज। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मोहम्मद इरफान हमसे जुड़ गए लखनऊ से। मोहम्मद इरफान, अपनी राय रखिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, एग्जैक्ट पोल का इतना भरोसा नहीं, अगर एग्जैक्ट पोल ही सक्सेस हो। हेलो, हाँ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, एग्जैक्ट पोल का इतना भरोसा नहीं है, अगर भरोसा होता तो 23 मई का मतलब क्या है, फिर हमें 23 मई तक। चलिए आप, ठीक है, आपको भरोसा नहीं एग्जिट पोल पर, ठीक है, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लगातार दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और आप अपनी राय रख सकते हैं,
जिससे एक पिक्चर साफ हो कि आखिरकार लोग कितना भरोसा करते हैं। तेजेंद्र राणा हमसे जुड़ गए हैं झारखंड से, जो अपनी राय रखिए तेजेंद्र। हाँ सर प्रणाम जी, नमस्कार। ऐसा बात है कि जो सर्वे है वो 100% परफेक्ट सर्वे है, और इस सर्वे में जो भी अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी को वोट पड़ा है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ा, पार्टी के नाम पर वोट कम पड़ा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे नैतिकवान चरित्रवान आदमी भारतीय राजनीति में को हुआ ही नहीं है और न है। इसीलिए हम लोग भी जो वोट दिए हजारीबाग से, जयंत सिन्हा जी खड़े हुए कैंडिडेट तनको अच्छा नहीं है, उसका बाप चोर है। हाँ। हम लोग मोदी के नाम पर वोट दिए हैं। ठीक है, आपने मोदी के नाम पर वोट किया, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक दर्शक है झांसी से, जी अपनी राय रखिए, अपना नाम बताइए पहले। कैलाश यादव। कैलाश यादव अपनी राय रखिए। सर हमारा ये कहना है कि एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सपा बसपा और कांग्रेस से ऊब चुकी थी, इसलिए अगर जब उपचुनाव जो जीत जाते हैं तब तो जो ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ते, और जब जो हारने लगते हैं तो जो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है आपकी। कैलाश आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चंदर जुड़ गए भोपाल से, चंदर अपनी राय रखिए। हाँ जी, मेरा ये है कि जितने भी सर्वे आए हैं उनका लबोलवाब यही है कि फिर से मोदी सरकार आ रही है, और मैं आपको अखबारों के लिए भी मैं हेडलाइंस बनाता हूँ आपके चैनल के लिए 23 तारीख के लिए, एक आपको हेडलाइन दे रहा हूँ, एक शेर बाकी ढेर। चलिए शुक्रिया आपका, आपने लाइन हालांकि अच्छी बोली है, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ विवेक तिवारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनका रुख करते हैं। विवेक तिवारी जी, आप इन सर्वे को, इन एग्जिट पोल्स को कैसे लेते हैं? जी, उन जैसे अभी तक हिंदुस्तान में देखा गया है, पुराने इलेक्शंस में भी, जो पिछले इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी एक चीज जो उभर के आती है कि यहाँ पे चाहे देखें कि एस्ट्रोलॉजिकली पोल्स को देखें या सेपोलॉजिकली पोल्स को देखें तो वो उतना करेक्ट रिजल्ट नहीं प्रेडिक्ट कर पाते हैं। बहुत ज्यादा अगर लॉजिकली इवेल्युएट करते हैं तो इसमें समझ में आता है कि हाँ, पोल्स के रिजल्ट कहीं ना कहीं कंक्लूडिंग है, और क्योंकि ये साइंटिफिकली इवॉल्व होते हैं, इनका एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, जिस तरह से इसमें वेरिएबल्स, पैरामीटर्स और दूसरे वेरिएशंस लगाए जाते हैं, तो एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक 3-5% के बीच में देखें, अगर उस वेरिएशन से चेक करें तो दे आर ऑलमोस्ट करेक्ट, नॉट परफेक्टली करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आपके पास लौटता हूँ मैं आपके पास लौटता हूँ। हमारे साथ नरेश जुड़ गए ग्वालियर से, नरेश अपनी राय रखिए। नरेश अपनी राय रखिए। जी जी हेलो जी, अपनी राय रखिए नरेश जी। सर सरकार तो नरेंद्र मोदी की बनना चाहिए, और जैसे कि अभी पूरे सिस्टम में काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने, जो राष्ट्र को लेके जो अपनी बात सामने रखी है, पब्लिक के बीच में जो आई है, आम जनता के जन में जो चैन में उतरी है, तो इससे मेरा मत तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी की एक बार फिर प्रधानमंत्री एक बार और बनना चाहिए। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। मेहताब जुड़ गए हमारे साथ सुल्तानपुर से, मेहताब अपनी राय रखिए। जी मैं सुल्तानपुर से मैं ये कहना चाह रहा था सर, एक पोल जो आ रहे हैं वो तो नियर अबाउट 80% ठीक ही रहे हैं, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मीडिया का वर्ग होता है वो सत्ताधर पार्टी से क्वेश्चन पुटअप करना रहता है, बट ये क्वेश्चन पुटअप ना करके विपक्ष से क्वेश्चन क्यों पूछती है। चलिए आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपको बता दूं मेहताब, मीडिया किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सबके साथ बराबर से वही मीडिया का रवैया रहता है। हम विपक्ष और पक्ष, सत्तारूढ़ जो पार्टी है उससे भी कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं और उनकी भी राय लेते हैं, और उसी तरह विपक्ष से भी बात करते हैं। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ विवेक तिवारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनका रुख करते हैं। विवेक अपनी बात पूरी कीजिए। जी हम मैं कह रहा था कि ये काफी साइंटिफिकली डिवाइस डेटा होता है जिसको प्रोसेस किया जाता है, और उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि किस पार्टी का रुझान या किस तरफ रुझान जा रहा है।
तो इसको विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स अगर देखें तो 3-5% का वेरिएशन हो सकता है। वो बात अलग है कि कुछ पार्टीज जो कि लूजिंग साइड पे होते हैं तो वो अपने अपने व्यूज लेके आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था या कहीं पे प्रॉपरली वोटिंग जो परसेंटेज था वो कम हो गया, वेरियस अदर्स लॉजिक दे करके कह सकते हैं कि पोल्स मे नॉट बी करेक्ट, या ये कभी कभी कहते हैं कि सैम्पलिंग जो है उतना प्रोपोर्शन में नहीं किया गया है, या किसी जगह जो लोकलाइज सैम्पलिंग की गई है वो हो सकता है वो प्रभावी हो, तो उसी की वजह से 3-5% का वेरिएशन हो सकता है, इससे ज्यादा वेरिएशन मुझे नहीं लगता कि आएगा। ठीक है, हमारे साथ दर्शक जुड़ गए, मोहम्मद अली जुड़े हैं जौनपुर से। मोहम्मद अली अपनी राय रखिए। नमस्कार। नमस्कार, हेलो जी, आपको सुन पा रहे? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि सर्वे जो आया है, हाँ, सर्वे किसी भी पक्ष में आया नहीं आया, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ दोनों मेहमानों से जानना चाह रहा हूँ कि एक सर्वे ने 272 दिया है, एक सर्वे ने एनडीए को 375 ऊपर ले गई है। चलिए ठीक है, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अली। हमारे साथ आरपी सिंह है ललितपुर से। आरपी सिंह जी अपनी राय रखिए। ये एग्जिट पोल बिल्कुल सही है, हमें तो लगता है कि बीजेपी भारी बहुमत से सत्ता में आए, केंद्र सरकार बनाएगी मोदी जी के। चलिए आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आरपी सिंह जी। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं रणविजय सिंह। अभी एक क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद अली जी ने, उसका जवाब आप दे दीजिए। उनका क्वेश्चन ये था, आखिरकार एक सर्वे दिखा रहा है 272 और एक दिखा रहा है 300 के ऊपर। जी रणविजय सिंह जी, क्वेश्चन ये पुटअप किया था हमारे दर्शक सहयोगी ने अभी जो बात बताई। हाँ हेलो, हाँ जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ हाँ, नहीं मैं अभी जो अभी जैसे कि आपके चैनल में आए जो हमारे सामाजिक सहयोगी हैं, हाँ, बैठे हैं हमारे साथ जी, उन्होंने एक बड़ी बात साफ बताई कि 3-5% तक जो ये आते हैं एग्जिट पोल के नतीजे वो सही और एग्जैगरेट हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो ठीक, उनको ये बात समझना चाहिए कि उन लोगों ने भी जो लोग 272 बता रहे हैं या उससे ऊपर बता रहे हैं, वो उन लोगों के जो सैंपलिंग किया है उस आधार पर ये बढ़ोतरी इसी परसेंटेज में घटी बढ़ी है, तो उनका बढ़ा हुआ साइज आ गया है, इसलिए इसको आधार मतलब उनको ये संदेह का नहीं बनाना चाहिए कि भाई एक कुछ दे रहा है दूसरा क्या है, उनके तौर तरीके क्या हैं। हाँ बिल्कुल, उस पर क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चनेबल वो है। ठीक, आपका रुख करते हैं, आपके पास आते हैं रणविजय जी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, हमारे साथ बलदेव है पंजाब से। बलदेव अपनी राय रखिए आप। नमस्कार, आप बलदेव से हैं? पंजाब से गाँव बलोचकरा में। हाँ जी, हमारा तो मोदी जी के बहुत पंजाब का बहुत नुकसान किया, पंजाब में किसानों का जवानों का कुछ नहीं किया, अभी तक अब तो बढ़ गया, मोदी जी अब क्या करेंगे? तो हम तो आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए बलदेव। हमारे साथ मंसू बैरागी है जी, अपनी राय रखिए आप। हेलो जी, अपनी राय रखिए जी। नमस्कार। नमस्कार, मेरा कहना ये है, जब भी चुनाव होते हैं तो ये विपक्ष के लोग अपनी राय रखते हैं कि ये ईवीएम में गड़बड़। अभी 6 महीने पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, तो तब ईवीएम में जब वो जीतते हैं तो ईवीएम को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब हारते हैं तो ईवीएम को कोसते हैं। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपको बता दें, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। तो आज के न्यूज ने आपको मंच दिया है, आप हमें कॉल कीजिए, बात बताइए कि आखिरकार जो एग्जिट पोल्स हैं उनके नतीजों से आप संतुष्ट हैं और कितना सहमत हैं, क्योंकि ये आपकी ही राय होती है आपके लिए। यहां वक्त है एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर, आप देखते रहिए सूबा बोलेगा। तो आज हम सूबा बोलेगा में बात कर रहे हैं सर्वों के सच की, यानी जो सर्वे हुए हैं, जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े जारी हुए हैं, जो आंकड़ा निकल करके आया है, जो अनुमान निकला है, उस पर सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय
रख सकते हैं सुबह बोलेगा में। हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, आप फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए। हमारे साथ एक दर्शक है उत्तम सिंह उत्तराखंड से। उत्तम सिंह जी अपनी राय रखिए। हेलो जी, अपनी राय रखिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी एग्जिट पोल आते हैं उनका कोई वैज्ञानिक आधार है, पहली चीज तो ये है। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि एक सैंपल स्पेस कितना होना चाहिए स्टैटिकली किसी चीज को प्रूफ करने के लिए। क्या ये जो एजेंसियां इस सर्वे को करती हैं, क्या वो इस बात का ध्यान रखते हैं? चलिए, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपने उसके प्रोसेस पर सवाल उठा दिए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि एक सैंपल प्रोसेस होता है, सैंपल कलेक्ट किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाता है, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि वो उनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, किन मुद्दों पर वो वोट डालने आए हैं, उनसे ये निकल करके आता है कि हाँ हालांकि इस पार्टी के लिए वोट वो करेगा या इस पार्टी को नहीं वोट करेगा। हमारे साथ धर्मवीर है हरियाणा से, उनका रुख करते हैं। धर्मवीर अपनी राय रखिए। संपर्क टूट गया है। धर्मवीर जी हमसे फिर से जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं आप हमें कॉल कर करके। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल, हमारे साथ विवेक तिवारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनका रुख करते हैं। विवेक तिवारी जी, जिस तरीके से कुछ लोग फेवर की बात कर रहे हैं, एक दर्शक जुड़ गए इस बीच, प्रेम सिंह शामली से। प्रेम सिंह जी अपनी राय रखिए। सर मैं ये कह रहा था आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो बताए जा रहे हैं नतीजे, तो मैं ये कह रहा था क्या इसकी प्रियंका गांधी जी की जो मीटिंग थी इनमें भीड़ कितनी थी, राहुल गांधी जी के इसमें कितनी भीड़ थी? चलिए, आप भीड़ की बात कर रहे हैं उससे आप ये आकलन कर रहे हैं कि वोट्स कितना ज्यादा कांग्रेस को गया होगा, आपका ये कहने का मतलब है। कभी कभी ये होता है कि जो भीड़ होती है वो वोट में परिवर्तित नहीं होती। हमारे साथ सुशील है, एक दर्शक भोपाल से जुड़ गए। सुशील अपनी राय रखिए। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर जो है ये एग्जिट पोल जो दिया हुआ है सर, ये सभी चैनलों ने सर ये गलत दिया हुआ है। अच्छा सर, यहाँ पे भोपाल में हम एमपी की बात करें तो सर 10 से 15 सीट यहाँ पे कांग्रेस की आ रही है, जबकि एग्जिट पोल में सर 5-6 सीट बता रहे हैं। सर सरकार जो है कांग्रेस की ही बनना है। चलिए, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रामेंद्र सिंह हमसे जुड़ गए लखनऊ से। रामेंद्र सिंह अपनी राय रखिए। जी सर, मैं ये जानकारी चाह रहा था कि क्या आपके एग्जिट पोल में ये जानकारी मिल सकती है, लखनऊ जो प्रॉपर माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं के बगल की सीट है मोहनलालगंज लोकसभा सीट, यहाँ से सर कौन जीत रहा है? देखिए, जीत कौन रहा है, जीतेगा कौन, ये तो बात का विषय, पर्टिकुलर सीट की बात नहीं हुई है। हालांकि अगर आपने जानकारी मांगी है तो ये जानकारी अभी हम आपको नहीं दे सकते शो के माध्यम से, आपको जो 23 मई को नतीजे आएंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी। हालांकि हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ विवेक तिवारी जी, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक तिवारी जी, आपको लगता है, विमला जुड़ गई हमारे साथ हापुड़ से, एक दर्शक है। विमला अपनी राय रखिए। हाँ जी, अपनी राय रखिए। हमें बस मोदी जी से वो है कि यही देश का नेता बनना चाहिए और कोई नहीं बनना चाहिए देश का नेता। चलिए, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। रुक करते हैं विवेक तिवारी का। विवेक तिवारी जी, अब लोगों का मानना ज्यादातर ये नहीं है, लोग कहते हैं कि हर एक व्यक्ति से नहीं पूछा जाता है। चलिए, विवेक तिवारी जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो विवेक तिवारी से इस पर चर्चा शुरू करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। हमें कॉल कीजिए, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, हमें कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। सर्वो का सच जानने की कोशिश कर रहे हैं सुबह बोलेगा में, लगातार दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, वो राय भी रख रहे हैं कि कुछ दर्शक ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ हमें एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में दर्शक ये कह रहे हैं कि हमें एग्जिट पोल पे विश्वास है। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दीजिए, क्योंकि आपकी कॉल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से जो एजेंसीज हैं, जो चैनल्स हैं, एग्जिट पोल्स कराती हैं, यानी कि सर्वे कराती हैं, उसके बाद इसके जो आकलन होता है उसके आधार पर जब ये कह दिया जाता है कि हाँ ये आंकड़ा निकल करके आया एक पार्टी विशेष के लिए, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अपनी राय जरूर हमको दीजिए, के न्यूज पर फोन कीजिए, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। हमारे साथ विवेक तिवारी जी जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक जी, लोगों का ये मानना है कि मतलब हर आदमी से नहीं पूछा जाता, सर्वे का एक तरीका है, हर आदमी से पूछा कैसे जा सकता है,
अगर हर आदमी तक पहुंचेगा तो उसमें एक बहुत बड़े बहुत वक्त लग जाएगा हर आदमी तक अगर पहुंचने की कोशिश करेंगे ऐसी एजेंसियां। तो ऐसे में सर्वे होता है, रैंडम सिलेक्शन होता है और पूछ लिया जाता है और उसी के आधार पर रिपोर्ट दे दी जाती है। जो रैंडम सिलेक्शन होता है और जो सैंपलिंग होती है, सैंपल साइज पे बहुत कुछ डिपेंड करता है और रैंडम जो लिया जाता है लोगों से क्वेश्चनायर उनसे पुटअप किए जाते हैं कि आपकी क्या राय है, आप किस पार्टी को वोट दे रहे, क्यों वोट दे रहे, क्या मुद्दे रहे और किस कारण आप इस पार्टी को समर्थन करना चाह रहे हैं, उस पार्टी के उस व्यक्ति को समर्थन करना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की वजह से आप उस पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के ये सारी जानकारियाँ एकत्र करके उनको एक रिसर्च होता है, एक अब मैं कैसे इस चीज को समझाऊं कि इसका एक पूरा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डाल करके कि उसमें कंस्टेंट्स भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, देखा जाता है कि पीछे का वोटिंग पैटर्न क्या था, इस बार का टेंटेटिव वोटिंग पैटर्न क्या हो सकता है, क्या परसेंटेज ऑफ वोट कास्ट हुआ था, किस किस कैटेगरी से कौन कौन सा वोट कास्ट हुआ था, उसकी एनालिसिस करके तब ये डेटा बाहर आता है। वो मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर इसके रिजल्ट्स होते हैं, टेंटेटिव रिजल्ट्स बोले जा सकते हैं। बट इसमें एक चीज और भी देखना चाहिए कि जो पार्टीज जो इसको बैक नहीं करती है डेटा को, जो ये कहना चाहते हैं कि हाँ भाई हम इस डेटा से खुश नहीं हैं, क्योंकि मैं सामाजिक तौर पर यहाँ पे हूँ, किसी पार्टी की तरफ से नहीं बैठा हूँ, तो मैं जनरली बात करना जनरल बात करना चाहूंगा कि जो लूजिंग साइड पे अपने आप को अभी समझ रहे हैं उनको भी ग्रेसफुली इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि वो आज एक साइड पे है तो दोबारा दूसरी साइड पे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका रुख करते हैं विवेक, आपके पास लौटते हैं दर्शक जुड़ गए हमसे, हजरत अल्लाह खान जुड़ गए गोंडा से। हजरत अल्लाह खान अपनी राय रखिए, हजरत अल्लाह खान अपनी राय रखिए आप। हमारी राय ये है कि कांग्रेस अगर बहुत नीचे चली गई है सर और भाजपा बहुत ऊपर आ गई है, तो कांग्रेस और जितने भी विपक्ष वाले हैं सब मिलके जाएं अमिताभ बच्चन के पास, हम 2024 की तैयारी करें और उनसे कहें कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार आपको हम लोग बना रहे हैं, तो वो नहीं एक आदमी है ये मोदी जी का टक्कर ले सकते। ठीक है, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। विवेक तिवारी जी, आपने सुना इन दर्शक को, आपके भी चेहरे पे मुस्कान आ गई। ठीक है, मोहम्मद अशरफ जुड़ गए हैं संभल से, अपनी राय रखिए मोहम्मद। मालूम करना चाहते हैं कि सर ये जो दिखा रहे हैं 60 सीटें उत्तर प्रदेश में, तो ये हमें तो लगना रहा गठबंधन की जो मतलब बीजेपी की 60 आ जाए। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए जी। अपनी बात पूरी कीजिए विवेक तिवारी जी। जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये डेटा एनालाइज होके आता है तो ये बहुत हद तक सही होता है। इसको क्वेश्चन करना तो ये डिपेंड करता है कि आपका मतलब आपका सोचना किस आधार पे है, किस आधार पे आप इस चीज़ को चाहते हैं कि ये जो पोल्स के रिजल्ट आ रहे हैं वो सही नहीं है। केवल ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ने ध्यान नहीं दिया या वोटिंग मशीन जो है उसमें कोई परेशानी थी, ऐसे वोटिंग मशीन देखें तो अभी 3 स्टेट ऐसे थे जिसमें कि कांग्रेस जीती थी, उस समय किसी तरह का प्रकरण नहीं आया कि वहाँ पे EVMs में कुछ इश्यूज था। मतलब इस चीज को समझना चाहिए कि हमको रिलाई करना चाहिए। ठीक है, 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे और अगर इस समय किसी एक ये नहीं कहेंगे कि ये जो इस समय टेंटेटिव पोल्स आए हैं कोई स्क्यूड है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ, ये एक जनरल पैटर्न है, हो सकता है ये पैटर्न बदल भी जाए। बिल्कुल, थोड़ा बहुत नतीजों में बदल के इसके जल्दी चेंज हो सकता है। ठीक है, आंकड़े बदल जाए नतीजों में, ठीक है, पोल रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट नहीं है, दीज आर टेंटेटिव ओनली। ठीक है, एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ उस्मान गाजियाबाद से, अपनी राय रखिए उस्मान जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नतीजे जो आए हैं ये जो बाहर हैं, सब सरकार जो है ये नतीजे जो हैं जो आ रहा है ये गलत है, ये बिल्कुल अलग आएगा। चलिए, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक दर्शक और है सुरेंद्र मुरादाबाद से, अपनी राय रखिए सुरेंद्र जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने चाहिए, उनसे बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है इस समय हमारे पास। चलिए, आपका शुक्रिया सुरेंद्र इस पर अपनी राय रखने के लिए।
हमारे साथ रणविजय सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका रुख करते हैं। रणविजय सिंह जी, आपका बहुत पुराना अनुभव रहा है, मतलब आपका अनुभव काफी लंबे वक्त का रहा है, और ऐसे में आपने कई एग्जिट पोल्स देखे हैं। अगर बात 1999 की कर लें, 2004 की कर लें, 2009 की कर लें, तो वहां पर एग्जिट पोल्स कोई मायने नहीं रखे, उनके जो आंकड़े आए थे वो बिल्कुल गलत थे, उनका जो अनुमान था गलत था। लेकिन 2014 में जब बीजेपी के लिए जारी किया गया कि हाँ बीजेपी को इतनी सीटें मिल सकती, लेकिन उम्मीद से ज्यादा बीजेपी ने पाया था। मोहम्मद यूनुस हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से। मोहम्मद यूनुस, अपनी राय रखिए आप। मैं ये सर ये कहना चाह रहा था कि आज के महा जो हमारे मोदी जी की सरकार पे जो वायदे किए थे कि वो जनता के पूरे किए गए हैं। आपका शुक्रिया यूनुस अपनी बात रखने के लिए। राम लखन हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से, अपनी राय रखिए। हमारी राय ये है कि नेता लोग जो अनर्गल बात करते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या ये समाज के लिए या देश के लिए अच्छा है? नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, लेकिन क्या करेंगे, इस तरह की राजनीति का एक ट्रेंड आ चुका है इस वक्त। 2019 में बहुत कुछ देखने को मिला है, कोई चौकीदार कहता है, कोई चौकीदार चोर कहता है, इस तरह की बातें कही गई हैं। और ऐसे में मदन लाल जुड़ गए हमारे साथ रामपुर से, अपनी राय रखिए। हाँ जी, है जी, ऐसा ही मेरी इतना मेहनत करती है, खर्चा करती है, इतना टाइम लेती है, उसके बाद भी विपक्ष वाले कहते हैं ये गलत है, ये गलत है। सही कहा आपने, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रणविजय सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका रुख करते हैं। तो मेरा यही सवाल था कि कई बार एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए, लेकिन 2014 और 2019 की बात करें, 2014 में हालांकि जो रिजल्ट्स आए थे वो उम्मीद से बढ़कर बीजेपी के लिए थे, लेकिन 2019 के एग्जिट पोल्स की जब बात हो रही है तो बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि एग्जिट पोल्स ने ऐसा दिखाया है एनडीए को कि वाकई में एनडीए ने हर तरफ चारों खाने चित्त कर दिया है विरोधियों को। अब देखिए, मैंने पहले भी अपनी बात में कहा था कि भाई बहुत सारा चीज साइज आप सैंपल पर और उसके एनालिसिस के तरीके पर निर्भर करता है, लेकिन अगर ये नतीजे हैं तो आपको ये मान लेना चाहिए कि 14 का आपने भी देखा है कि और वो एकदम जिस तरह से बीजेपी के की लहर थी, मोदी की लहर थी है, आप इस बार वैसा नहीं था, लड़ाई चौतरफा खूब हुई है, लेकिन अब अगर ये नतीजे थोड़ा कम थोड़ा बेसी में अगर ये सही होते हैं तो ये भारतीय राजनीति के लिए नए सिरे से आत्ममंथन चिंतन करने का विषय है, सबसे जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की, यहाँ पर चिंतन की जरूरत है। भारतीय राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है जी। बिल्कुल, हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, रत्ना शर्मा, अपनी राय रखिए। रत्ना जी नमस्कार। नमस्कार जी, हम तो ये चाहते हैं जब तक ये देश है तब तक नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहे, वरना और कोई देश चला ही नहीं सकता। चलिए, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चित्रमान है, एक दर्शक है राजस्थान से, अपनी राय रखिए आप। हेलो सर, अपनी राय रखिए। नमस्कार सर। नमस्कार, ऐसा है कि सर आएगा तो मोदी ही। चलिए, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी रणविजय सिंह जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। मैं कह रहा था कि अब आप इसके गुण दोष का ये जो एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल एक रुझान आप मानिए कि देश का के मतदाताओं का मिजाज किस तरह से है, वो मुखर होके आया है। बिल्कुल, अब इसमें इसकी समीक्षा इस तरह से हमको करना है कि भाई परिणाम तो 23 को आएंगे, लेकिन आज जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो मतदाता का चिंतन है, वो ये बताता है कि जो भी विपक्ष है या मोदी बनाम जो पूरा विपक्ष है, उसको अपने बारे में नए सिरे से सोचना पड़ेगा। और खास तौर से इससे एक संदेश ये जाता है कि भाई चुनाव के समय दुकान जो है सजा लेने से मतदाता, बिल्कुल
मतदाता अब आपको वोट देने वाला नहीं है जब आप चुनाव के वक्त अपनी दुकानें सजाते हैं, आपको धरातल पे कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद ही लोग आपको पसंद करेंगे और वोट डालेंगे। चलिए आता हूँ आपके पास रणविजय जी, हमारे साथ एक दर्शक है उमेश है, मेरठ से जुड़ गए हैं। उमेश जैन जी अपनी राय रखिए आप। नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं मेरठ से बोल रहा था। हाँ जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि 23 तारीख को बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में बनाएगी, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करी है इलेक्शन में, उसका नतीजा, मेहनत का नतीजा खाली नहीं जाता है। हाँ। जनता जो है गठबंधन पार्टियों को जिताती नहीं है। चलिए आपका शुक्रिया उमेश हमसे बात करने के लिए। अनूप एक दर्शक हमारे साथ लखनऊ से, अनूप अपनी राय रखिए। अनूप अपनी राय रखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं चर्चा में, आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रणविजय सिंह हैं, अपनी बात पूरी कीजिए रणविजय जी। मैं ये बात कह रहा था कि बेमुल गठबंधन को रिजेक्ट करना, नकार देना, ये बताता है। अगर ये एग्जिट पोल देश के मिजाज को, मतदाताओं के मिजाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये बताता है कि जिस तरह के गठबंधन हुए हैं रस्मी तौर पर, ये जनता ने इसे ग्राह्य नहीं किया, उसने इसको खारिज कर दिया। ये आप जानते हैं कि बीजेपी ने अन्य विपक्षी जो भी गठबंधन है, जो विपक्ष था, उससे ज्यादा पार्टियों से क्षेत्रीय स्तर पर गठबंधन किए हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनका मुखिया, उनका नेता प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी थे, उन पर जो अटूट आस्था ने उस तरफ मतदाताओं को देखने के लिए विवश किया ही नहीं, वो उनको क्लीन चिट दे दिए। और जो विपक्ष ने अपने बिल्कुल कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोगों ने विश्वास जताया, उनके काम पर विश्वास जताया है, इसको लेकर के एग्जिट पोल में ऐसे अनुमान निकल करके सामने आ रहे हैं। हमारे साथ संजय जुड़ गए हैं कानपुर से, दर्शक हैं। संजय अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार। एक तो इन जितनी विपक्ष पार्टियां हैं इनको जनता पे बिल्कुल भरोसा उठ गया है, और जब जनता पे भरोसा नहीं करेंगे तो ये देश का क्या करेंगे। दूसरी बात क्या, ये हमेशा जितने विपक्ष वाले हैं ये देश के खिलाफ गालियां देते हैं। हाँ। सबसे बड़ी गलती एक तो ये है। दूसरी बात, इनको मोदी की डर है कि मोदी आ गया तो हम जेल में जाना पड़ेगा। तीन चीजें हैं सर। थैंक यू। बिल्कुल, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक दर्शक है उड़ीसा से, अपनी राय रखिए, पहले अपना नाम बताइए। नमस्ते द्विवेदी साहब। संभर अपनी राय रखिए आप। जी मेरा यह मानना है कि अकालियों में नेताओं को सब कुछ सच सच बताना चाहिए लोगों के सामने। चलिए आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अलग अलग राय आ रही हैं, लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बात खुल करके रख रहे हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, आखिरकार लोगों ने विपक्ष को। एक दर्शक जुड़ गए हैं राजकिशोर शाहजहांपुर से, राजकिशोर जी अपनी राय रखिए। जी आजकल की जनता ये जो एग्जिट पोल जो है सही कर रहा, और भी अच्छा आता। आजकल की जनता बेवकूफ नहीं है, जनता के दिमाग में ये घर बैठ गया है कि आखिर एक आदमी को हटाने के लिए सारे दल एक क्यों हो गए। हाँ, इनके अंदर कोई कमी है। चलिए आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आज हम सर्वों का सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जुड़ गए झारखंड से, अपनी राय रखिए। हेलो, अपनी राय रखिए। हाँ सर। हाँ अपनी राय रखिए। हमारा राय ये है कि मोदी सरकार तो जीत ही रहे हैं, लेकिन ये हाँ सर, मोदी सरकार तो जीत ही रहे हैं। हाँ, हमारा है एग्जिट पोल के हिसाब से मोदी सरकार जीत रहे हैं, लेकिन केस के हिसाब से मोदी सरकार हार रहे हैं। एज के हिसाब से। चलिए आपका शुक्रिया, अजीबोगरीब आपकी राय थी। चलिए लगातार हमसे दर्शक जुड़ रहे हैं, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, सर्वों का सच जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ विवेक तिवारी जी हैं। विवेक तिवारी जी थोड़ा मुस्कुरा रहे थे शायद इनकी बातों को लेकर के, डॉक्टर जो अमर थे इनकी बात को लेकर के। आपको क्या लगता है विवेक तिवारी जी,
नतीजे बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं आपको, या थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन दिखेगा आपको नतीजों में, या फिर बिल्कुल इसके उलट नजर आएगा? आप अभी अभी जी, मैं दो चीज पे ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहला तो जैसा धनंजय जी ने कहा, अभी वरिष्ठ पत्रकार है, उनका जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रहा है और पत्रकारिता में एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी बात, बहुत सटीक बात उन्होंने कही कि चुनाव के समय पे अगर किसी तरह की जब पार्टियां अपनी दुकान सजा के बैठेंगी तो अब वोटर्स उससे जुड़ने वाले नहीं है। अब वोटर्स में भी सोचना समझने का काम शुरू किया है, वो समझ रहे हैं कि ये चुनाव के समय पे आकर के ये सब पार्टियां एकजुट हो रही हैं तो वो उनके भले का काम करेंगी या अपने भले का काम करेंगी। बिल्कुल, पहला मैं ये कहना चाह रहा था, बहुत अच्छी बात रणुजय जी ने कही। दूसरा चीज जो आपने उनसे प्रश्न किया था कि विवेक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, इसका आंसर लेने आ रहा हूँ जो मैंने क्वेश्चन किया था। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, शेखर मध्य प्रदेश से। शेखर, अपनी राय रखिए आप। जी सर, अपनी राय रखिए। हेलो जी शेखर, हम आपको सुन रहे हैं। जी सर, हम ये कहना चाह रहे हैं सर। हाँ सर, सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश की जो मीडिया है एक तरफा चीजें बता रही है, एक तरफा चीजें बता रही है, और हमें तो नहीं लगता कि हर एक शहर में जाके, हर एक पोलिंग बूथ में जाके किसी ने एग्जिटिंग पोल सही जानकारी ली होगी। आपका शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए। तुषार एक दर्शक है उड़ीसा से। तुषार, अपनी राय रखिए। हाँ सर, मोदी सरकार आ रहा है। अच्छा ठीक है, आपका शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के मिली जुली प्रतिक्रिया जरूर आ रही, लेकिन बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो कहते नजर आ रहे हैं कि मोदी सरकार आ रही। तो कुल मिलाकर के न्यूज पर आप लगातार अपनी राय दे रहे हैं। आप अगर आपने अभी तक कॉल नहीं किया है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है एग्जिट पोल को लेकर के, कि सर्वे जो है वो सही है या झूठ है, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, फोन उठाइए, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, हमें कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। अनूप एक दर्शक जुड़ गए हमसे लखनऊ से। अनूप, अपनी राय रखिए। हेलो, अपनी राय रखिए अनूप। जी मैं ये कह रहा हूँ कि देश की जनता ने मोदी जी को फिर से एक बार आशीर्वाद दिया है और मोदी जी का कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। चलिए, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अनूप। तो कुल मिलाकर के प्रतिक्रिया लगातार आ रही है, दर्शक अपनी राय भी रख रहे हैं। हमारे साथ विवेक तिवारी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक तिवारी जी, जो मैंने क्वेश्चन किया था उसका आंसर आप दे रहे थे, दीजिए आंसर उसका। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे 1999 से लेकर 2019 तक का आप कह रहे थे कि शुरुआत में जो पोल्स के प्रेडिक्शंस आते थे, एग्जिट पोल आते थे, वो उतने सही नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे अगर देखें तो साइंटिफिकली इनको इवॉल्व किया गया और धीरे धीरे इनमें सुधार लाया गया। अब जिस तरह से रिजल्ट दिए जाते हैं वो बहुत ही कंक्लूसिव रिजल्ट होते हैं और करीब करीब परफेक्ट रिजल्ट होते हैं, फिर भी कहा जाता है कि 5-7% का वेरिएशन है। 99 में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी या जो रिसर्च एनालिसिस थी हमारे पास, वो उतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं थी जो कि अब होके आ गई है। हाँ। तो अब जो रिजल्ट आएंगे उसमें वेरिएशन तो दिखेगा। देखिए, एग्जैक्ट नहीं हो सकता, जैसे एग्जैक्ट पोल, जैसे ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, वेरिएशन दिखेंगे, बट कोई बहुत बड़ा वेरिएशन दिख जाए ऐसा संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दर्शक है हमारे साथ, चारू हापुड़ से जुड़ गई है। चारू, अपनी राय रखिए आप। हेलो, हाँ, हमें तो मोदी जी की ही भैया उम्मीद है, और भगवान करे जिस दिन से इलेक्शन हो रहे हैं हम तो मोदी जी के लिए प्रेयर ही कर रहे हैं, ये इंडिया का सबसे बड़ा हीरो है। चलिए, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। माली राम राजस्थान से, अपनी राय रखिए माली राम जी। मेरी ये है कि जैसे जुमलों की और झूठेवादी करने वाली जो सरकार होती है और भावनात्मक मुद्दों से अगर चुनाव जीत जाती है तो देश के हित में नहीं होगा, बल्कि मुद्दों के ऊपर चुनाव जीतती है और सरकार बनती है तो वो देश के हित में होगा। और प्रधानमंत्री कोई ताकतवर नहीं होता है, ताकतवर उसकी नीतियां होती है। जैसे कमजोर प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह जी, देवगौड़ा जी, मोरारजी देसाई, उन्होंने तगड़े फैसले किए हैं, जबकि ताकतवर प्रधानमंत्रियों ने आम जन के हित में कोई तगड़े फैसले नहीं किए, ये मेरा मानना है। चलिए, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। राजीव एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ चंडीगढ़ से। राजीव, अपनी राय रखिए। राजेश, राय ये लगनी है जी, जो है तो सारे विपक्षी दलों को कि मोदी आएगा बस।
चलिए आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ रणविजय सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका रुख कर लेते हैं। रणविजय सिंह जी, जिस तरीके से चुनाव हार जाती हैं पार्टीज उसके बाद ईवीएम की बात करने लगती हैं, जबकि चुनाव आयोग ने भी बुलाया था कि आप आइए ईवीएम को चेक कीजिए, आप जिस भी ईवीएम को रैंडमली सेलेक्ट करना चाहें रैंडमली आप उसे सेलेक्ट कीजिए और उसको चेक कीजिए, लेकिन उस वक्त कोई भी विपक्षी नेता नहीं गया। लेकिन हार के बाद ईवीएम पर इल्जाम क्यों लगाने लगते हैं, उनको बहाना ढूंढना होता है शायद इसलिए? नहीं, आज जो लोग मिल रहे हैं उनका कहना है कि एक कंस्टिट्यूएंसी पर जो में कुछ पोल ले लिए जाए और वहां पर देखा जाए ईवीएम से और बीपीएट का जो का मिलान किया जाए, अगर वो ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होता है तो उस हिसाब से वहां चुनाव कराए जाए। उनकी मांग ये है, ये आशंका है, उन्होंने उठाया है ये बात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको मना कर दिया, कहा एक बूथ नहीं आप पांच बूथ पे मिलान करा लीजिए, लेकिन 50% पर्चियों का मिलान नहीं करने देंगे, पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी। हाँ नहीं, चुनाव आयोग के पास वो आज इसलिए भी गए हैं कि भाई चुनाव आयोग ने हम एक कोई सम्मानजनक ऐसी गाइडलाइन बनाई जिसको आपको किसी को अविश्वास ना हो, और चुनाव आयोग का काम है कि भाई सबकी बात सुन के एक इस तरह का बनाए नीति निर्धारित करे या फैसला ले कि ताकि देश की के जनमानस का जो भारतीय लोकतंत्र में जो चुनाव की प्रक्रिया है जो दुनिया में बेमिसाल है उस पर कोई आंच ना आने पाए। तो वो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेता लोग जाते हैं क्योंकि उनके भी अपने फॉलोवर्स हैं, उनको उनके बीच में जाना होता है, तो वो अभी से चुप हो जाएंगे किसी भी आशंका और अनिष्ट को पहले से भाप पर उस पर शोर नहीं मचाना शुरू करेंगे तो जो जनमानस जो उनकी अपनी फॉलोइंग है उसको तो बचा के रखने का संकट उनके सामने रहता है। हाँ, तो ये ठीक बात है। ठीक है रणविजय जी, आपके पास आता हूँ, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए सुनील बनारस से। सुनील अपनी राय रखिए आप। अपनी राय रखिए सुनील आप। हाँ सर, मेरे को ये बताइए आप नरेंद्र मोदी पंतप्रधान कैसे क्या होंगे सर, ये तो बताओ ना मेरे को। हेलो। हाँ जी। हाँ नरेंद्र मोदी पंतप्रधान कैसे क्या होंगे, उन्होंने क्या विकास कर लिया मेरे को बताओ ना आप पहले। चलिए आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक है हिमांशु लखनऊ से। हिमांशु अपनी राय रखिए आप। हेलो। हाँ हिमांशु जी अपनी राय रखिए आप। नमस्कार। ये मोदी जी को पक्ष और विपक्ष, मोदी जी को हमारी राय से पूरे 20 साल तक प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, पक्ष और विपक्ष के जितने भी अच्छे लीडर हैं उनका मंत्रिमंडल बनाना चाहिए, तब देश हमारी सोने की चिड़िया बन जाएगा। चलिए आपका शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने की। चलिए कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिलीजुली प्रतिक्रिया जरूर आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि एग्जिट पोल्स पर आखिरकार कुछ लोग विश्वास करते हैं कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं। अगर आपके पास भी कोई राय है, अगर आप विश्वास करते हैं तो हमें अपनी राय दीजिए, नहीं विश्वास करते हैं तो अपनी राय दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल ने दिखा दिया है कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से देश में बन रही है, ऐसे में विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है 20 मई के रिजल्ट का इंतजार करेंगे। हालांकि रिजल्ट के बाद ही कुछ कहना उचित होगा कि कौन जीत रहा है, लेकिन ये एक अनुमान है और कभी कभी अनुमान सच हो जाते हैं। हमारे साथ लगातार दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, आप भी हमें कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है, हमारे साथ विवेक तिवारी हैं, उनका रुख कर लेते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विवेक तिवारी जी आपके पास आऊंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि ठीक है एग्जिट पोल की बात तो कोई नहीं मान रहा इस समय विपक्ष का। इस वक्त एक दर्शक हमसे जुड़ गए, उससे पहले प्रकाश जुड़े हैं लखनऊ से। प्रकाश अपनी राय रखिए आप। हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं तो ऐसे कांग्रेस का वोटर हूँ। ठीक है, लेकिन सर जी ये जो विपक्ष वाले जो एक दल हो गए हैं, असल में ये सब इनके ऊपर जनता का भरोसा उठ चुका है। जी सर। ठीक है,
आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं उससे भी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जो दर्शक हैं वो लगातार क्या कुछ कह रहे हैं वो भी अपने आप में बेहद अहम है। हमारे साथ विवेक तिवारी, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं बिहार से, रियाज। रियाज अपनी राय रखिए आप। मेरी राय ये है इस बार मोदी सरकार ने बहुत काम किया है बिहार के लिए। ठीक है, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए विवेक तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। विवेक जी, एग्जिट पोल्स का एक मानक है अपना, उसकी एक प्रक्रिया है, सैंपल साइज उसका क्या है, आप भी लगातार कह रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ चलिए उस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं पूनम हरियाणा से। पूनम अपनी राय रखिए आप। हाँ जी, प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनने चाहिए। चलिए आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से विवेक जी इसकी प्रक्रिया की जाती है, फिर उसमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं गलतियां भी हो जाती हैं एजेंसियों से। अगर डेटा कहीं से कलेक्ट कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन एयर क्या है, अगर उस क्षेत्र में पर्टिकुलर उस विधानसभा क्षेत्र में अगर जो वहां के लोग हैं वो अगर बीजेपी को पसंद करते हैं, पर्टिकुलर कांग्रेस को पसंद करते हैं, तो उसके बारे में ज्यादा राय निकलेगी। ऐसे में रेंडमली तो सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा प्रोसेस और अच्छा किया जा सकता है जिससे रेंडमली सेलेक्ट करें लेकिन जो नतीजे उसके आए या रिपोर्ट जो बने वो बिल्कुल एक्यूरेट बने। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट चलेगा, 20-25 सीटों का इधर उधर होना लाजमी है। मेरे हिसाब से जिस तरह से सैंपल डेटा लिया जाता है तो वो अगर केवल एक ही पोलिंग पॉइंट पर न लेकर के पोलिंग पॉइंट्स पूरे एरिया के जो है उनको वर्कआउट किया जाए और उनके डेटा लेकर के उसको एनालाइज किया जाए, एक ही पोलिंग बूथ को नहीं करके कई एक पोलिंग बूथ को लेकर के और उसको एनालाइज किया जाए डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उससे भी एक डेटा थोड़ा सा अच्छा निकल के आएगा और थोड़ा सा करेक्ट होने के पास पहुंचेगा। चलिए एक दर्शक हमारे साथ इस बीच मंगलेश है संत कबीर नगर से। मंगलेश अपनी राय रखिए आप। सर गने का मतलब मेरे तरफ से बीजेपी जीत रही है क्या? चलिए आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मीरा एक दर्शक है फरुखाबाद से, अपनी राय रखिए। हाँ जी भैया, बोल रहे हैं कि मेरे लिए तो कुछ नहीं, मेरा बेटा है बेरोजगार है, सबके लिए कुछ नहीं किया मोदी जी ने। चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार अपनी राय रख रहे हैं, पसंद नापसंद बता रहे हैं, एग्जिट पोल के साथ कौन है, कौन एग्जिट पोल के साथ नहीं है, कितने लोग एग्जिट पोल को मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते हैं, लगातार दर्शक जुड़ के हमसे अपनी राय रख रहे हैं। आप भी अपना फोन उठाइए, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, हमें कॉल कीजिए और बताइए कि आप एग्जिट पोल को कितना मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो भी आप अपनी राय रख सकते हैं। जिस तरीके से लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, सर्वों का सच जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ रणविजय सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रणविजय जी, ठीक है सर्वे हो जाते हैं, पार्टियों की बात हो जाती है, लेकिन जैसे एक दर्शक ने अभी कहा था, एक बड़ा सैंपल साइज होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, उसके बाद तो इस पर विश्वास किया जा सकता है। इस बीच एक दर्शक जुड़ गए, एके दुबे जुड़ गए हमसे बनारस से। एके दुबे जी अपनी राय रखिए। उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। जी रणविजय जी, सैंपल साइज जितना बड़ा होगा नतीजे या यूं कहें जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल स्पष्ट आ सकते हैं। ये नहीं उसे, हाँ मैं पहले भी अपनी बात को शुरुआत में ये बोला कि भाई सिंपल साइज क्या है ये, और जब तक आपका सिंपल साइज बड़ा नहीं होगा और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत सावधानी से नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इतना मैन पावर होता नहीं है, अनस्किल्ड लोगों से ही लोग सूचनाओं को अपने पास एकत्र करा करके उसके एनालिसिस करते हैं। तो आप जो आपको सामग्री मिलती है फील्ड से वो लोग उतने दक्ष नहीं होते हैं जो बैठ के उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और हाँ। एक परिणाम निकालते हैं। अच्छा रणविजय जी आपके पास लौटता हूँ, इस बीच एक दर्शक हमसे जुड़ गए, डीके दुबे हैं बनारस से। डीके दुबे जी अपनी राय रखिए आप। आए हैं
मेरी राय यही है कि जो चुनाव अगला जो होता है खाली सीट हो जाने पे, जैसे राहुल गांधी आपका लड़ रहा है वाराणसी से और अमेठी से, अमेठी और वायनाड से लड़ रहा है, जगह से लड़ रहे हैं, अगर एक सीट अगर दोनों सीट जीत जाते हैं और उसको एक सीट छोड़ दे तो वहाँ के चुनाव पर जितना खर्चा है पूरा खर्च उनसे लेना चाहिए। चलिए आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अंकित एक दर्शक है मुरादाबाद से, अंकित अपनी राय रखिए। अरे सर मैं कहना चाह रहा हूँ एग्जिट पोल तो राइट हो जाएगा। क्यों राइट होगा? क्योंकि जितने भी ईवीएम बदले जा रहे हैं, ट्रकों में ईवीएम मिल रहे हैं, हर जगह ईवीएम मिल रहे हैं, चुनाव आयोग इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। पता नहीं लोकतंत्र बंदो पता नहीं क्या बना के रख लिया है सर, समझ में नहीं आ रहा। दिल भी ऐसा हो रहा है अब क्या नाम है, विश्वास ही नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा है कि नाम है हम आजाद। चलिए अंकित आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आपकी बात समझ में आ गई। लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, स्ट्रांग रूम के बाहर लगातार पुलिस और प्रशासन का पहरा रहता है, अर्धसैनिक बल भी वहां मौजूद रहते हैं। साथ ही साथ एक बात बेहद जरूरी आपको बताना, ये आपको मालूम होनी चाहिए कि जो विपक्ष है वो भी लगातार स्ट्रांग रूम पे नजर बनाए रखता है। ऐसी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जाती है कि उनके व्यक्ति भी वहां पर लोग रहते हैं, विपक्ष की या हर पार्टी के लोग वहां पर रहते हैं। बस्ती से एक दर्शक है कृष्णा हमसे जुड़ गए, अपनी राय रखिए कृष्णा। जी सर अपनी राय रखिए, क्या कहना चाहते हैं आप एग्जिट पोल पर? सर मैं कहना चाहता हूँ जी, एग्जिट पोल जो बता रहे हैं मीडिया की, लेकिन एग्जिट पोल सही बताता है? देखिए हाँ, एग्जिट पोल कभी कभी गलत भी होते हैं, कभी कभी सही भी होते हैं। अब देखना ये होगा नतीजे जब आते हैं तो नतीजों में क्या कुछ निकल करके आता है। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ रणविजय सिंह हैं, अपनी बात रख रहे थे। रणविजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं जो अपनी बात में यही कह रहा था कि भाई जो इस पर है तोबा इसलिए नहीं होना चाहिए, ये देश के मतदाताओं का एक रुख है, जो उनका जिन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है उनका एक रुख आप इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि इस तरह के नतीजे आएंगे। तो इसको कंक्लूड कर देना कि भाई ये एकदम गलत है सही है, हम उस पर नहीं जाते। ये इतना जरूर मान सकते हैं कि देश का के मतदाताओं का जो मानस है वो उसका झुकाव जो है किसकी तरफ है, और वो अस्पष्ट बहुमत की बात की ओर अपना इशारा कर रहा है। ये राजनीतिक परिभाषा में हर राजनीतिक दल, हर नेता या हर मतदाता को ये समझना चाहिए कि ये जो एग्जिट पोल है ये देश के मतदाताओं ने जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है उनका मूड है, जो वो उन्होंने अपने मत के जरिए बताया है। अब उस पर सीट कितनी मिलेगी? ठीक है रणविजय जी आपको रोकना पड़ेगा, यहाँ पे एक दर्शक जुड़ गए हैं, थाना राम जुड़े हैं हमसे राजस्थान से, अपनी राय रखिए। हेलो अपनी राय रखिए आप। हाँ जी अपनी राय रखिए। हाँ हेलो सर, हमारे राजस्थान में तो पूरी सीटें आएगी भाजपा को। जी चलिए आपका शुक्रिया। मिर्जापुर से एक दर्शक है गोविंद सिंह, अपनी राय रखिए आप। 2019 का जो इलेक्शन हुआ है ये इलेक्शन साबित करता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। चलिए आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आप रणविजय सिंह जी आपका भी शुक्रिया, विवेक तिवारी जी आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिलीजुली एक प्रतिक्रिया निकल करके आ रही लोगों की, और आप भी समझ गए होंगे कि आखिरकार एग्जिट पोल में हां है या ना है। सुमेर सिंह जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ राजस्थान से। सुमेर सिंह जी अपनी राय रखिए। हाँ मेरी राय ये है सर जी, जो इलेक्शन हो रहा है एक तो ये ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पे होना चाहिए, जिससे वास्तविकता का पता लगे। ईवीएम पे कोई भरोसा नहीं है। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि पहले बैलेट पेपर से होता था और बूथ के बूथ कैप्चर कर लिए जाते थे, आपको दौर याद होगा। चलिए आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सुबह बोलेगा मैं, फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।